बेटा थर्ड स्टेप देखिए, ये टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया गया, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट। ये नहीं कि डिवाइड किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, ये कोई मल्टीप्लायर नहीं है कि टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी लिखता है। ये तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया गया। ये तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, ये थर्ड स्टेप, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो इसका कोई सेकंड मेथड नहीं है। अगर आप सोचे भी लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड तक पहुंचे तो नहीं पहुंचे, 22 क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड तक पहुंचे तो नहीं पहुंचे, इसी ढंग से करना है जैसे आपको बताया गया। कोई डाउट है तो और नंबर बोलिए इसके अंदर। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए बेटा, स्टेप नंबर आप। एग्जांपल्स देखिए, रब कर रहे हैं इसको, क्लियर है क्या बेटा? ट्रिक में 1 से 6 तक कोई डाउट? दो क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं, और भी कोई क्वेश्चन हो सकते थे, 5x 2x 7x इस टाइप से, तो इंपॉर्टेंट टाइप थी। देखिए बेटा, काम अगर रेगुलर करेंगे ना बेटा, जैसे अभी 22 क्वेश्चन तक का काम है आपका, एग्जाम्पल 22, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक दिन भी छोड़ दिया तो एक तो सीटी फार्मूला का लोड हो जाएगा और अगला रिजल्ट फिल हो जाएगा। अभी तो बहुत स्लो करवा रहे हैं, एक तो थोड़ा सा ऑनलाइन है, थोड़ा सा बच्चा डिस्टर्ब ना हो, स्लो करवा रहे हैं, आप अच्छे ढंग से कर पाए आप। इसमें खैर हमें करवाने की जरूरत नहीं है, सबकी वैल्यूज फाइव बाय सिक्स है, डिवाइड नहीं हो सकता तो डिवाइड करके 30 डिग्री लिख दो, डिवाइड नहीं हो सकता तो डिवाइड करके 60 डिग्री लिख दो। साइन 30 का मतलब पहले 1/230 पहले आता है, सेकेंड 60 का मतलब, इलेवेंथ एग्जाम्पल, कोई डाउट? 1 2 साइन 15 है, ये तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, और कम क्या करें? 90 से ज्यादा होता तो थोड़ा सोचते, तो ये प्लस माइनस ऑफ क्या देखना है, 0, 30, 45, 60, जब भी इनको प्लस माइनस करेंगे मल्टीपल ऑफ 5 ही तो बन रहा है, 5 से डिविजिबल एंगल है ये, जैसे प्लस माइनस कोई भी, ये हर एक नंबर 5 से डिविजिबल है, हर एक each one plus minus भी 5 sin 15 को इसके टर्म्स में लिखने का सोचना हमने, तो क्या लिखे 45 को, 45 minus 30, minus 45 करके चलेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। अब sin a minus b, sin a cos b, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन सब आपको अच्छे ढंग से आए नहीं, 3 ही रिजल्ट बताए अभी तक, 3.3 में 3 ही रिजल्ट बताए, साइन ए प्लस माइनस बी, कोस ए प्लस माइनस बी, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, जो कि दो ही क्वेश्चन में यूज हुआ, और सी डी फॉर्मूले, बस इसका आंसर हमें पता है 1/√2 कोस में 3/2 1/√2 1/2 LCM. आंसर, और आंसर क्या हो सकता था? नीचे रूट टू नहीं चाहिए, क्योंकि रूट टू क्या 1.4142
उससे डिवाइड करना मुश्किल है, वो भी अप्रोक्सीमेट है, टू से डिवाइड करना आसान है, इसलिए रैशनलाइज कर दिया जाता है, रैशनलाइज मतलब सिंपल कर दिया जाता है, फोर से डिवाइड करना आसान। यहां तक भी ठीक है आंसर, बुक में यही तक छोड़ रखा है, आप यहां तक भी कर सकते हैं, कोई डाउट। ट्वेल्थ देखिए, ट्वेल्थ नंबर ड्रॉप करना है बेटा इसको, ये टेंजेंट 13 पाई बाय 12 ट्रिक क्या थी, डिवाइड इफ इट कैन, ये डिवाइड हो सकता है 13 12 से, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लिखा जाएगा, 1.5 वन प्लस 1/12 लिखा जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ओनली सीधा लिखो आप टेंजेंट पाई प्लस पाई बाय डायरेक्ट लिखो, ये तो बताना चाह रहे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा। अब 180 प्लस क्या आंसर लिखे यहां बता दो, एंगल को कम किया जा सकता है ना बेटा, बताइए क्या आंसर लिखा जाए, आराम से बताइए। 10 पाई बाय 12 यस, 10 पाई बाय 12 और डिवाइड नहीं हो सकता, वो और डिवाइड नहीं हो सकता, तो वैल्यू डाल दो, जब तक डिवाइड हो सकता है ठीक है, शुरू में क्यों लेंथ के एंगल लेके चले हम, तो ये 10 पाई बाय 12 पाई का मतलब 180 डिग्री, 1, 2, 3, 4 180 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री ऐसे लिखे, बाद में डिग्री में करते हैं आप चेंज, क्या लिखेंगे इसको, 60 माइनस 45 भी लिख सकते थे, पर हम लेंथ की क्यों करें, छोटे एंगल लेके चले, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी रूट, पहले 1/√3 पहले का तो 30 डिग्री, टेबल कैसे भी याद रख सकते हैं आप, एलसीएम लेंगे यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं आप, और रैशनलाइज करना चाहिए, रैशनलाइज कैसे, करेंगे तो आप देखेंगे 2 √3 का, मेंस एग्जाम में तो ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखी जाती है, 2 √3 टेंजेंट 15 का आंसर डायरेक्ट रूट ही है, माइंड में आप तो होना चाहिए, आधे एंगल्स की वैल्यू 0, 30, 45, 16 के हाफ की वैल्यू याद रखी जाती है। एग्जाम्पल 14th हमने आपको बता दिया, 15th देखिए, 15th फिफ्टींथ बताते हैं,
13th, sorry, 13th, 15th. Sine x plus y. Sine x minus y. Prove करना है tangent x plus tangent y. अब देखिए एंगल सेम ही, ये भी x y को c plus d by 2 नहीं ना याद रख सकता, sin s plus s 2 नहीं, तो sin a plus b का ही लगाएंगे, एक sin एक cos, सभी एग्जांपल क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, टीचर जब बोर्ड पे करवाए तब तो आसान लगते हैं लेकिन खुद करके देखने हैं, स्टेटमेंट लिखो अप टू द आंसर, बार बार प्रैक्टिस करनी है, लॉकडाउन पीरियड का फायदा उठाना है, स्कूल की छुट्टियां हैं तो मैथ बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाए, मैथ थोड़ा लाइट सब्जेक्ट, जो प्रूव करना उसमें टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट कब आएगा जब डिवाइड बाय कोस हो, ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, कोस नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दो, क्या क्या चीज नहीं चाहिए, कोस एक्स नहीं चाहिए, कोस वाई नहीं चाहिए, टेंजेंट की नहीं, ये तो डिवाइड बाय कोस होना चाहिए, तो डिवाइड बाय कोस एक्स एंड कोस वाई, इन दोनों की प्रोडक्ट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे cos x cos y से डिवाइड, पहली टर्म को cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट x दिखाई देगा, cos x cos y से करेंगे तो टेंजेंट y नजर आएगा, इसको cos x cos y से करेंगे, इसको cos x cos y से करेंगे, आपको डाउट पूछना पड़ेगा, कोई डाउट है तो 2 3 4 यही प्रूव कर दो, 14th आपको करवा दिया गया है, 15th देखिए, 15th रब कर रहे हैं इसको, cos 5 by 4 plus x, cos 5 by 4 minus x, इसका आंसर वेदर प्रूव करना है, रूट टू प्रोसेस एक मेथड तो ये, कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स, तो क्या लिखेंगे, दोनों कॉस दोनों साइन प्लस है, तो cos pi by 4 minus x, dono cos plus dono sin, add kar do, सर एप्पल प्लस एप्पल एक जैसा ट्वाइस है एक जैसा, और बेटा कॉस पाई बाय फोर को 1/√2, नंबर बोले आप, कोई डाउट है तो नंबर पूछिए बेटा, नेक्स्ट देखें बेटा, फिर 17 देखिए, 16 करेंगे ट्राई, 17 एक इमीडिएट देखिए, इमीडिएट एनसीआईटी में कम यूज हो रहा है, प्लस टू के अंदर काफी यूज होगा, इमीडिएट ट्रिक, प्लस
प्लस टू के अंदर कॉम्पिटिशन के अंदर काफी यूज होगा, इमीडिएट ट्रिक देखते ही लिखना है। प्लस टू में भी आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया इमीडिएट ट्रिक, वन माइनस कॉस कहीं भी दिखाई दे, वन माइनस कॉस इस डब्बे में चाहे कुछ भी, तो हमें लिखना चाहिए टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। नोट्स में भी लिख के दी हुई है हमने आपको नोट्स बेटे, जिसको नहीं मिले वो आप फोन करके ले जाए हमारे पास से, जब भी आप फ्री हो फोन करें आपको बता दिया जाएगा, ले मतलब तो ले जाए आप नोट्स रख रखे हमने तैयार फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स के, किसी शॉप पे कहेंगे वहां भी रख सकते हैं हम 13 में या इधर दावड़ा चौक के, मतलब हमारे घर से लेंगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लेना, और आप नहीं आना चाह रहे तो कहीं रखेंगे तो रख भी देंगे। फर्स्ट सिक्स चैप्टर पीडीएफ तो भेज रहे हैं लेकिन फोटो स्टेट नोट्स दे देंगे आपको। वन माइनस कॉस आते ही टू साइन स्क्वायर, इस एंगल का हाफ, वन प्लस कॉस आते ही टू कॉस स्क्वायर इस एंगल का हाफ। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे वन माइनस कॉस टू एक्स लिखा है तो क्या लिखेंगे आप बता सकते हैं बेटा, यानी कि टू टू कैंसिल हो गया तो होल स्क्वायर है बाहर है, ये तो क्या है टू साइन बॉक्स का आधा उसका स्क्वायर है, ये नहीं कि टू टू कैंसिल हो रहा है, क्या लिखेंगे इसको टू साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर इस डब्बे का आधा, डब्बे में क्या है टू एक्स इसका आधा एक्स, वन प्लस कॉस फोर एक्स इसका आंसर बता दीजिए भाई ट्रिक को देखते हुए बताइए, वन प्लस कॉस फोर एक्स का आंसर बताइए टू कॉस स्क्वायर टू एक्स, टू कॉस स्क्वायर टू एक्स इसका आता, वन माइनस कॉस एक्स का बताइए, वन माइनस कॉस एक्स डब्बे में क्या है एक्स, तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, कंपटीशन में प्लस टू में काफी यूज होगी ये इमीडिएट ट्रिक, मतलब टीचर किसी और ढंग से एक्सप्लेन करता है लेकिन ये एक रेडीमेड कंसेप्ट है। वन प्लस कॉस एक्स बाय टू का आंसर बता दो, यस बट टू वन प्लस कॉस बाय फोर कॉस स्क्वायर इसका आधा आधा मतलब टू से डिवाइड तो एक्स बाय फोर हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर तो बाहर है, स्क्वायर का मतलब आपको पता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर बोलिए आप, वन से सिक्स तक कोई डाउट सर, ये सिर्फ कॉस के लिए है, ये सिर्फ कॉस के लिए, यस डाउट ये आ रहा है कि वन प्लस माइनस साइन होगा तो क्या होगा, वन प्लस माइनस टेंजेंट होगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट नहीं है, साइन का तो ये है कि उसको कॉस में चेंज कर लो, कॉस 90 माइनस थीटा, प्लस टू में ऐसा करते हैं कि वन प्लस माइनस साइन है तो साइन को हम कॉस में लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो अब आप इसका आधा करेंगे तो पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय, कॉस के लिए रिजल्ट, साइन या टेंजेंट के लिए। 17 केवल ही फिर फ्री करते हैं आपको, साइन 5x साइन 3x प्लस साइन x डिवाइड बाय कॉस 5x माइनस कॉस x, नीचे एंगल क्या है 5xx तो ऊपर भी 5x और x को करता है, बस ट्रिक्स याद रखनी है बेटा, और स्कूल में कोई और अच्छी चीज बताई जाए या आप कहीं YouTube वगैरह पे देखते हैं तो हमें भी बता देना, आप इसमें सीडी लगा देंगे, इसमें सीडी लगा देंगे, अब आप ट्राई करेंगे ये हो जाएगा, किसी बच्चे में और कोई बात डिस्कस करनी है तो बोलिए आप, और कोई बात डिस्कस करनी है तो बोले आप, और कोई ट्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछिए बोलिए आप।
तो अच्छा था कल, सब बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट किया था, अपनी सिंसियरिटी से भी करना है सबने। आप लोगों को सभी रिजल्ट्स आने चाहिए। देखिए कोई बच्चा कोई रिजल्ट पूछता है, डाउट पूछता है, तो उसको हम डिस्करेज नहीं कर रहे कभी भी, बल्कि ये कहते हैं बेटा और पूछिए आप। ठीक है बेटा, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे, आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप। ओके बेटा, थैंक यू।